मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला आप लोगों को गुंजन सक्सेना नाम की फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की पहली महिला कॉम्बैट यानी कि जो लड़ाई में पहली बार उतरी कोई महिला अगर भारतीय है, उस हिसाब से पहली बार उतरी गुंजन सक्सेना थी वो। और कमाल की फिल्म बनाई है यहाँ पर मेकर्स ने, शरण शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और कमाल का डायरेक्शन किया है। और यहाँ पर जितना ऑनेस्ट तरीके से श्रीदेवी की बेटी परफॉर्म कर सकती थी उतना ऑनेस्ट तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है और दिल जीत लिया हमारा सभी का। ऑफकोर्स नेपोटिज्म की आग यहाँ तक भी पहुंची थी कि गुंजन सक्सेना को बॉयकॉट करने की बात की गई थी, क्योंकि इसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने। लेकिन अगर टैलेंट की बल पे बात करें तो ये लंबी रेस की घोड़ी है, यानी कि लंबी रेस का घोड़ा जिसे हम कहते हैं वो है कौन, जो हीरोइन है हमारी वो, यानी श्रीदेवी की बेटी। कमाल का परफॉर्मेंस दिया है जाह्नवी कपूर ने और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बहुत ही जटिल और बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ दिया। यानी कि एक इंसान होता है जो कुछ करना भी चाहता है लेकिन बहुत नर्वस होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट दिखाता है और आगे बढ़ता है। तो उस तरह की कुछ बढ़िया जानदार परफॉर्मेंस। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात की जाए, पंकज त्रिपाठी का जो रोल है, जो उनके पिताजी का रोल निभाया उन्होंने, बहुत बढ़िया है। उनके जो भाई का जो रोल निभाया है अंगद बेदी, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने भी कमाल का रोल निभाया है। और ओवरऑल एक कमाल की फिल्म है कि कैसे अगर एक बच्चा कुछ करना चाहता है कि उसके माँ बाप उसको अगर मोटिवेट करते हैं तो वो क्या नहीं कर सकता। तो किस तरह से उसे दिक्कत होती है जब महिला पायलट बनती है और जब जाती है आईएएफ में कि लेडीज टॉयलेट नहीं रहता है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ों पे ये फिल्म छोट पहुंचाती। लेकिन धीरे धीरे फिल्म की कहानी जैसे बढ़ती है, गुंजन सक्सेना ये प्रूव करती है कि वो डिजर्व करती है यहाँ पे रहना। वो हाथों से ताकत नहीं दिखा सकती लेकिन उसके पास इतना दिमाग है कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ों में वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है और अच्छे अच्छे लड़कों को फेल कर सकती है या मात दे सकती है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी फिल्म थी, एक देशभक्ति वाला फील भी था फिल्म में और अच्छा था। मतलब पंकज त्रिपाठी का जो एक संयम से भरा एक किरदार था वो भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे श्रीदेवी जी का मैम का बर्थडे भी है 13 तारीख को आज, तो मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगी कि उनकी बेटी की दूसरी फिल्म बहुत अच्छी तरह से पब्लिक पसंद कर रही है। चाहे इस फिल्म को आप ट्रोल करो, ब्लेम करो, कुछ भी करो, लेकिन सच यही है कि जाह्नवी कपूर ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और अगर इस उम्र में वो इस तरह का परफॉर्मेंस दे रही तो मुझे नहीं लगता है कि ये रुकने वाली है, बहुत आगे जाएगी ये जाह्नवी कपूर हमारी। और कमाल की फिल्म है और आप भी इस फिल्म को देखिएगा और आपको अच्छी लगेगी फिल्म। और इसे एक महिला का जो मोटिवेशन है, स्पेशली फीमेल लोगों के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, मोटिवेटिंग फिल्म है उन लोगों के लिए, और सभी को देखनी चाहिए, जेंट्स या लेडीज। एंड आई लव द फिल्म, आप भी देखिए, ज़रूर बताइए कैसी लगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 70% रेटिंग है, यानी कि डिस्टिंक्शन। बाय बाय।